साइबर सिटी गुरुग्राम में शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया। दरअसल गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में एक नाबालिग द्वारा एक बच्ची को जन्म देने की खबर ने सनसनी फैला दी है। मामला गुरुग्राम सेक्टर 14 थाना इलाके का है। पीड़ित छात्रा अपने परिवार के साथ राजीव नगर में किराए पर रहती है। पीड़िता ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर अपने पड़ोस में ही किराए पर रहने वाले राजन तिवारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नाबालिग का आरोप है कि राजन तिवारी नवंबर 2017 में एक दिन उसे बहला फुसला कर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर उसे कई बार अपने हवस का शिकार भी बनाया। पीड़िता के परिवार को इस बात का पता तब चला जब कुछ दिन पहले पीड़िता के पेट में दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर की जांच के बाद पता चला कि पीड़िता गर्भवती है। इससे पहले कि पीड़िता के माँ बाप कुछ समझ पाते, नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 8 महीने तक पीड़िता के पेट में बच्चा पल रहा था, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। सोचने वाली बात यह है कि अब नाबालिग छात्रा और उसके नवजात बच्चे की जिम्मेदारी किसकी होगी, जो कि एक अहम मुद्दा है। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से सतीश कुमार राघव की रिपोर्ट।